हेलो स्टूडेंट, आज हम जे का प्रोनंसिएशन या उच्चारण करना सीखेंगे। आपने अक्सर देखा होगा जब हम जे का उच्चारण करते हैं तो कभी जा के तौर पर हो जाता है तो कभी गा के तौर पर हो जाता है। अरे भाई, ये कैसी पहेली है। एक शब्द बोला तो जे का उच्चारण गा हो रहा है, तो दूसरा शब्द उसी पर बोला तो उसका उच्चारण जा हो रहा है। कभी कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब आज की क्लास में मिलेगा। यदि लेटर जी के आगे या बाद में आने वाला लेटर ई आई वाई आए तो लेटर जी का उच्चारण या प्रोनंसिएशन जा हो जाता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे जिससे कि हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो पहला एग्जाम्पल है जेम। जेम का मतलब रत्न। जे लेटर के बाद आने वाला लेटर ई है, जिसके कारण जे का प्रोनंसिएशन जा हो जाएगा। जेम, जेम का मतलब रत्न। अगला एग्जाम्पल देखेंगे जेंटल। जेंटल का मतलब भले लोग। जे लेटर के पश्चात आने वाला लेटर ई है, तो जिस कारण जे का उच्चारण जा हो जाएगा। तो इसका पूरा प्रोनंसिएशन जेंटल। जेंटल का मतलब भले लोग। तो अगला और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है इनर्जी। इनर्जी लेटर जे के बाद आने वाला लेटर वाई है, जिसके कारण जे का उच्चारण जा हो जा रहा है। अगला एग्जाम्पल है जिम। लेटर जे के बाद आने वाला लेटर वाई है, जिसके कारण लेटर जे का उच्चारण जा हो रहा है, तो जिम। तो अगला एग्जाम्पल है एज। एज लेटर जे के बाद आने वाला लेटर ई है, जिस कारण इस जे का उच्चारण जा हो रहा है, तो एज। अगला एग्जाम्पल है मैजिक। लेटर जे के बाद आने वाला लेटर आई है, जिस कारण इसका उदाहरण हो रहा है मैजिक। अगला एग्जाम्पल है रिजिट। रिजिट लेटर जे के बाद आने वाला लेटर आई है, जिस कारण लेटर जे का उच्चारण जा हो रहा है रिजिट। अगला एग्जाम्पल है जिराफ। लेटर जे के बाद आने वाला लेटर आई है, तो इस कारण इसका उच्चारण जा हो रहा है, तो इसलिए इसको जिराफ कहेंगे। तो इनके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे जिंजर, पेज, जेल आदि। तो इनके कुछ अपवाद हैं या एक्सेप्शन हैं जो हम सीखेंगे। इस नियम के कुछ अपवाद हैं या एक्सेप्शन हैं जो कि उपर्युक्त नियम में हमने पढ़ा था कि जी के बाद आने वाला लेटर यदि आई ई वाई हो तो जी का उच्चारण जो होता है जा हो जाएगा, लेकिन यह उस नियम को फॉलो नहीं करता है। तो हम इसका एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे कि गिफ्ट। गिफ्ट में जी के बाद आने वाला लेटर आई है, जो कि उपर्युक्त नियम में हमने पढ़ा था जी के बाद आने वाला लेटर आई रहेगा तो उच्चारण जा होगा, लेकिन इसमें गा हो रहा है। तो ये कुछ अपवाद हैं जो हमें याद कर लेना चाहिए। तो और एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे गिव। जी के बाद इसमें भी आई आया है, आई लेटर आया है, जो कि यह उस नियम को फॉलो नहीं करता है, तो गिव हो जाएगा। तो अगला एग्जाम्पल देखेंगे गियर। गियर भी जी के बाद आने वाला लेटर इसमें ई है, जो उपर्युक्त नियम में हमने पढ़ा था कि जी के बाद आने वाला लेटर यदि ई होगा तो उच्चारण जा हो जाएगा, लेकिन ये कुछ अपवाद हैं जी के, जिसका उच्चारण जी का गा निकल रहा है। अब हम सीखेंगे लेटर जी का उच्चारण कब गा होता है। तो चलिए हम सीखते हैं। जब लेटर जी के बाद लेटर ए ओ यू लेटर हो या कोई कंसोनेंट लेटर हो तो उच्चारण लेटर जी का गा होगा। तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं जिससे कि हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो पहला एग्जांपल है गन। जी के बाद आने वाला लेटर यू है, तो जी का उच्चारण गा होगा,
गन। अगला एग्जांपल देखते हैं, ग्लास। जे के बाद आने वाला लेटर यल यानी कि कंसोनेंट है, तो जे का उच्चारण गा होगा, ग्लास। अगला एग्जांपल देखते हैं, गोल्ड। जे के बाद आने वाला लेटर ओ है, तो जे का उच्चारण गा होगा, गोल्ड। अगला एग्जांपल देखते हैं, गार्डन। जे के बाद आने वाला लेटर ए है, जो कि उपर्युक्त नियम में हमने पढ़ा है, तो जे के बाद आने वाला लेटर ए है, तो जे का उच्चारण गा होगा। तो अगला एग्जांपल देखते हैं, गैप। गैप जो कि उपर्युक्त नियम के अनुसार जे के बाद ए ओ यू या कोई कंसोनेंट हो तो जे का उच्चारण गा होगा, तो इस कारण हम गैप में जे के बाद ए आया है तो इसका उच्चारण जे का गा होगा, इसलिए इसे हम पढ़ेंगे गैप। अगला एग्जांपल देखते हैं, ग्रेट। जे के बाद आने वाला लेटर कंसोनेंट है, इस कारण जे का उच्चारण हम गा पढ़ेंगे, ग्रेट।